महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी को ये जोरदार झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने एक पोस्ट करके कहा कि उनका एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। कांग्रेस के पूर्व नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। देखिए, ये इससे एक निराशा तो होती है। मैं मिलन जी को जानता हूँ। मैं राजनीतिक साथी के साथ साथ उनको व्यक्तिगत मित्र भी मानता था और पिछले कई वर्षों में स्वाभाविक है, हम लोग बहुत ज़्यादा उम्र में अलग नहीं हैं तो एक दूसरे से चर्चा भी होती थी। चर्चा न केवल राजनीतिक होती थी बल्कि विचारों की होती थी, देश का कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, उनका क्या है, मोदी के बारे में अपनी अपनी। तो जिस तरह की बातें वो कम से कम मुझसे कहते थे, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी घटक दल से जाकर जुड़ जाए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं समझ सकता हूँ कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन देखिए, राजनीति में और बाकी किसी व्यवसाय में अंतर यह है कि राजनीति सिर्फ व्यवसाय नहीं है, एक सेवा का और एक राजनीति करने का और देश निर्माण का भी एक रास्ता है। ये थोड़ी है कि भाई साहब यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिली, टाटा में नहीं मिली, बिरला में चले गए, वो ठीक है, वो व्यवसाय में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पर राजनीति उस हिसाब से कोई बिकाऊ फील्ड थोड़ी है कि यहाँ नहीं मिला वहाँ चले गए। भाई जब जब हम लोगों को टिकटें मिलती थी, ऐसा है, मैं एक बहुत तीखा और सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस समय मिलिंद जी को टिकट मिली या मुझे टिकट मिली, तो हम लोगों को तो इसीलिए मिली क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग थे। ऐसा तो कोई है नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा पराक्रम था। उस समय तो कांग्रेस बिल्कुल ठीक थी। स्वाभाविक है कि मिलन जी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे कार्यकर्ता की जो मेहनत करता होगा बंबई में, उसकी टिकट काटी क्योंकि पैराशूट किया, जैसे हम लोगों का सबका केस था। तो उस समय तो सब ठीक है। जब किसी और का हक मार कर आपको अपना मिल रहा अधिकार, तो आपके लिए कांग्रेस ठीक है, राजनीति ठीक है। आज वही पार्टी थोड़ी दूसरे नज़रिए से देख रही है, भले वो आपके हिसाब से नज़रिया गलत हो, ठीक है, आपको व्यवसाय की जगह तो नहीं दे रही है लेकिन बाकी मौका तो दे रही है। किसने आपको राजनीति करने के लिए रोका है, किसने देश की बात करने के लिए रोका है, किसने लोगों के बीच में जाके कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता, हमारी समाजवादी जो आर्थिक एक नीति है उसके बारे में बात करने से रोका है? सिर्फ इलेक्ट्रल राजनीति से हो सकता आप अलग हों या संगठन राजनीति से आप अलग हों। तो ऐसे में जब छोड़ के जाते हैं तो मुझे इस बात की निराशा होती है कि आप इंसान से ज़्यादा एक व्यावसायिक मशीन बन के रह गए हैं। मुझे निराशा होती है। मैं आशा करूंगा कि मिलन जी कम से कम इस बात पर विचार करें। लेकिन उन्होंने जो दिन चुना वो भी खास है क्योंकि आज 14 जनवरी है और आज से ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और आज ही के दिन इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।